हम खड़े हैं इस समय मालवीय रोड के एक मूर्ति कला केंद्र पर, जहां पश्चिम बंगाल से आए हुए कलाकार जो मूर्तियां बनाते थे, प्रतिमाओं का निर्माण करते थे, जिससे दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी और लक्ष्मी पूजन जैसे त्योहारों पर लोग यहां से मूर्तियां खरीद कर ले जाया करते थे। अब स्थिति ये है कि अब तक मूर्तियों का निर्माण शुरू हो रहा है, उनका कहना है कि ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं और बड़ी मुश्किल से वह गुजारा कर पा रहे हैं। लगभग 15 दिन पहले वो लोग, उनकी टीम बस्ती आई और मूर्तियों का ऑर्डर ना होने पर उनके लिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इस लॉकडाउन में जहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा के लिए मूर्तियों की खरीदारी के लिए ऑर्डर आने शुरू हो जाते थे, आज ऑर्डर की संख्या शून्य के बराबर है और वहां से आए हुए कलाकार अब इंतज़ार कर रहे हैं कि लोगों की डिमांड मिले, वो अपनी मूर्तियां तैयार करें जिससे उनके और उनके परिवार की जीविका बेहतर हो सके। हम उन्हीं से बात करते हैं, यहाँ हैं मूर्तिकार जी। आपका शुभ नाम क्या है? विजयपाल। विजयपाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कलकत्ता के रहने वाले हैं। कलकत्ता, कब आए आप कलकत्ता से? हाँ, इस बार मूर्ति बनाने की दृष्टि से 15 दिन हो गया। 15 दिन। कितने ऑर्डर अब तक आपको मिल चुके हैं? समय ऑर्डर कुछ नहीं है। हाँ, एक आध ग्राहक जो है अपना घर में बैठाने के लिए बोल रहा है कि अपना घर में बैठाएंगे, छोटी छोटी जो है मूर्ति आप बना दीजिए, ऐसे सब हैं। अभी कोई ऑर्डर उर्डर नहीं है। कितने लोग की टीम आती है आपके साथ? हमारे साथ जो है करीब 12-13 लोगों का टीम हमारी रहती है। तो आपकी जो है अभी तक तो आदमी हमारा लाए नहीं है, तो इस समय 4 लोग हम लोग आए हैं बस। और क्या उम्मीद करते हैं आप कि कैसे चल पाएगा? जिस तरीके से ऑर्डर नहीं है आपके पास, खाने पीने का क्या इंतज़ाम है आप लोगों के? इस समय तो तकलीफ में है। हाँ, उधर बड़ी करके जो है चला रहा है कुछ।